साथियों, हमारे देश में इंस्पेक्टर राज जो आम बात हो गई थी उसे काफी हद तक बदलने में हम सफलता हासिल हुई है। इंस्पेक्टर राज को खत्म कर अब इंस्पेक्टर को कहां जाना है इसका निर्णय सिर्फ कंप्यूटराइज रैंडम अलॉटमेंट से हो रहा है। इसी तरीके से इनकम टैक्स असेसमेंट के तरीके में भी बदलाव लाया जा रहा है। 70 साल से असेसमेंट की जो व्यवस्था चली आ रही थी उसे बदलने का बीड़ा भी अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने उठाया है। अब इनकम टैक्स असेसमेंट की पूरी व्यवस्था बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस से की जा रही है। किसी अफसर से आपका कोई चेहरा ही देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब अधिकारी को पता ही नहीं होगा कि वो किसका असेसमेंट कर रहा है। वो चाहकर के भी आपसे सीधे संपर्क नहीं कर सकेगा। अब आपसे वो जो बात करेगा वो कंप्यूटर करेगा। ईमानदार अर्थव्यवस्था में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई प्रयास किए हैं। व्यापारी वर्ग को नई सुविधाएं दी है। जैसे पहले 1 करोड़ रुपए का सालाना व्यापार करने वाली साथियों को अपनी इनकम 8 लाख रुपए डिक्लेयर करने की आवश्यकता थी, वही अब 1 करोड़ रुपए के डिजिटल लेनदेन पर केवल 6 लाख रुपए तक की इनकम डिक्लेयर करने की आवश्यकता है। ये छोटा फायदा नहीं है। डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए ये व्यवस्था है। आप ये जानते ही हैं कि हमने 5 लाख रुपया तक की इनकम पर टैक्स पहले ही 0 कर दिया है। तो अगर आप 1 लाख रुपए की किसी बचत योजना में निवेश कर दें तो इसका मतलब है कि लगभग 1 करोड़ रुपए तक का व्यापार करने वाले हमारे भाई और बहनों को कोई भी इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है जो लोगों को व्यापार और डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।